इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने उषागम झावड़ी में सहायक वाणिज्यकर अधिकारी कोमल बालिक के यहां छापामार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक उनके पास संयोगितागंज क्षेत्र में दो मकान, देव गुराड़िया से एक फार्म हाउस और 49,000 कैश के अलावा 45 तोला सोना और 1 किलो चांदी भी मिली है। टीम को जांच के दौरान महिला अफसर के पास से कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली है। लोकायुक्त के 40 अफसर की टीम के उनके 3 स्थानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की है। फिलहाल टीम बैंक लॉकर के अलावा संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें कि ये महिला अफसर 2006 से इंदौर में पदस्थ है। फिलहाल इनके 4 ठिकानों पर अब भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। सबसे खास बात यह है कि महिला अफसर के पति, जी हाँ आपको बता दें, पति भाजपा के शहर कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उन्होंने इस छापे की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक करार दिया है।